सपने, नाम, पैसा, ये सब तो ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम शाम की चाय उबलने का वेट कब किया था? मेहमानों की खातिरदारी में मम्मी का साथ कब दिया था? ये बताओ, लास्ट टाइम पापा के साथ न्यूज़ कब डिस्कस करी थी? और छोटी बहन की होमवर्क में हेल्प कब करी थी? यार मुझे ना और भी इम्पोर्टेंट काम है। खुद को यही कहते कहते कितना टाइम गंवा दिया। एम्बिशन के नशे ने साला जिंदगी जीना ही भुला दिया। नहीं, बुरी बात नहीं है, सपनों के बिना लाइफ कंप्लीट नहीं होती। पहले एम, फिर स्ट्रगल, फिर हसल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपनों के बिना भी लाइफ कंप्लीट नहीं होती। एंड आई नो, सिर्फ सपनों की बात नहीं है, जिम्मेदारियां भी तो होंगी। कोई एग्जाम, कोई कंपटीशन, सालों की हुई तैयारियां भी तो होंगी। बिजी होना ना होना तो चलता रहेगा, लेकिन किसी नुक्कड़ पे तेरी राह देखती तेरी यारियां भी तो होंगी। अपना एम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भुलाने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये जो लाइफ फास्ट फॉरवर्ड में चल रही है ना, सिर्फ समटाइम्स, कभी कभी पॉज बटन दबाने को कह रहा हूं। लाइफ ना परफेक्ट थी ना परफेक्ट होगी, ये तो सबको पता है ना। इसीलिए जब कभी फुर्सत मिले तो मोहल्ले का एक आधा चक्कर लगा लिया करो। पड़ोसियों से हेलो हाय, घर वालों से थोड़ी बातचीत, मम्मी पापा के पैर दबा लिया करो। और जो दोस्त मैसेज कर रहे हैं ना कई दिनों से, उनके साथ छत पर गाने गुनगुना लिया करो। थोड़ा चीजी साउंड करता है आई नो, लेकिन सालों बाद जब जब कभी लो फील करोगे ना, उस दिन के लिए यादों का एक पिगी बैंक बना लिया करो। थोड़ा फिलोसॉफिकल साउंड करेगा, पर फिर भी सुन लो। लाइफ अगर बिना मकसद, बिना जुनून अधूरी है, तो अपनों का साथ, चैन और सुकून और सब्र भी जरूरी है। लॉट्स ऑफ लव, विशाल जेठवा।